अस्सलाम वालेकुम। मैंने इस केक पर किया है बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन और कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है आप लोगों को। मैंने वाइट और ऑरेंज मैंने शेड बनाया है रेड और येलो कलर से, तो कैसा लग रहा है इसका लुक। बहुत ही प्यारा सा थीम है ये, बारवी बटरफ्लाई वाला है ये केक। फ्लेवर है चॉकलेट, इसलिए मैंने चॉकलेट बेस कर लिया है। बेक करने के बाद मैंने इसे कर लिया 3 लाइन में कट, क्योंकि ये हमारा चॉकलेट केक का 1 kg का है ये ऑर्डर, और मेरे और भी ऑर्डर्स हैं साइड में रखे हुए बेंटो केक के। तो मैंने पहले फटाफट से ये इस केक को रेडी कर लिया, क्योंकि ये अर्जेंट ऑर्डर था। और फटाफट से मैंने बनाने के लिए मैंने क्या किया, चॉकलेट क्रीम बना ली है, और उसके बाद रख दिया हमारा बेस। बेस रखने के बाद हम इसे अच्छे से शुगर सिरप से सोक कर लेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे, बहुत सारी क्रीम। शुगर सिरप से सोक करने के बाद बहुत ही अच्छे से मॉइस्ट कर दिया है मैंने, फिर चॉकलेट क्रीम लगा दिया इसके ऊपर। और ये मेरा जो है ऑर्डर, जिनका उनका मैं फ़र्स्ट टाइम ये केक बना रही हूँ, ये मेरे कोई रेगुलर क्लाइंट नहीं है, इसलिए मुझे बहुत ही बेस्ट, वैसे तो मैं सारे केक में अपना बेस्ट देती हूँ, पर वो होता है ना जो फर्स्ट ऑर्डर हो तो एकदम बेस्ट जाना चाहिए ताकि उनका ऑर्डर कंटिन्यू आए। तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गया था, उन्हें केक टेस्ट डेकोरेशन सब कुछ बहुत ज़्यादा आया था पसंद। तो फिर ये देखिए, वन लेयर लगाने के बाद मैंने सेकेंड लेयर लगाने के लिए मैंने क्रीम लगा दी है इसके ऊपर। क्रीम लगाने के बाद फटाफट से मैंने इसे क्ली अच्छे से स्मूथ कर लिया है, साइड से भी मैं स्मूथ करते जा रही हूँ। स्मूथ करते करते हमने इसे अच्छे से ऊपर वापस से इसके ऊपर एक लास्ट लेयर जो हमारी थर्ड वाली है वो लगाएंगे। अच्छे से मैंने चॉकलेट क्रीम लगा दी है इसके ऊपर। और ये देखिए, इस पर जो इको बेक पेपर होता है, बेकिंग पेपर, वो बहुत ही अच्छा होता है, इको फ्रेंडली होता है, और एकदम ईजिली डीमोल्ड हो जाता है हमारा केक। तो उसे मैंने डीमोल्ड कर लिया था अपने केक को। फिर शुगर सिरप से मैंने सोक करने के बाद फिर से लगा दिया इसके ऊपर क्रीम। क्रीम लगाने के बाद फट से अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। अच्छे से स्मूथ होगा तो ही हमारे केक का लुक, डेकोरेशन सब कुछ अच्छा आता है। अच्छे से फिनिशिंग होना तो आपका जो फाइनल लुक है ना वो खूबसूरत से आएगा। आप अगर आपकी अच्छी फिनिशिंग नहीं होगी तो आप कितना भी डेकोरेट कर दो वो केक कभी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी तो आप टॉपर्स या फिर उस पर कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो कैसे अच्छा लग सकता है वो। तो फिर मैंने पैलेट नाइफ और स्क्रैपर की हेल्प से फटाफट से केक को स्मूथ कर लिया है। स्मूथ करने के बाद मैंने केक बोर्ड को क्लीन करने के बाद उस पर लगाई है वाइट क्रीम, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करने के लिए मैंने क्या किया, वाइट क्रीम लगाने के बाद उसके ऊपर मैंने कलर यूज़ किया है ताकि हमारा कलर कम लगे। ज़्यादा कलर अच्छा नहीं होता केक के लिए, बट किसी क्लाइंट का ऐसा होता है कि उन्हें एकदम डार्क कलर का केक चाहिए होता है, फिर क्या कर सकते, फिर तो हमें कलर डालना ही पड़ता है एकदम ज़्यादा वाला। तो फिर इसके बाद मैंने कर लिया इसको अच्छे से स्मूथ वाइट क्रीम लगाने के बाद, और अच्छे से स्मूथ करने के बाद इसको स्क्रैपर से पूरा स्मूथ अच्छे से करेंगे ताकि जो हमारी फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आए। आप ये देखिए, थोड़ा सा खुरबुरा सा लग रहा है हमारी क्रीम, तो वो इसलिए है क्योंकि मैं इस क्रीम को मैंने बना के रख दिया था, तो फिर स्पॉन्ज बनाया, फिर ठंडा हो रहा था। ठंडा होते होते फिर थोड़ा सा टाइम हो गया था, क्योंकि 1 kg का था, बड़ा स्पॉन्ज था इसलिए। और ये देखिए, फिर मैंने साइड से ऐसा वेव वाला डिज़ाइन बनाई थी, बट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वो, तो इसलिए मैंने उसे वापस से हटा दिया है, क्योंकि मुझे इस केक को एकदम बेस्ट वाला बेस्ट देना था। और उन्होंने मतलब ऐसा कुछ कहा भी नहीं था कि मुझे ऐसा चाहिए, उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया था कैसे बनाना है, बस अच्छा लुक अच्छा रहना चाहिए, टेस्ट अच्छा रहना चाहिए और सबको पसंद आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल। तो फिर मैंने क्या किया, कलर कॉम्बिनेशन जो बटरफ्लाई है ना हमारी, और जो डॉल है ना उसकी ड्रेस से कलर कॉम्बिनेशन मिक्स करते हुए मैंने येलो कलर लिया है और मैंने लगा दिया है केक के ऊपर। फिर मैंने लिया है रेड कलर, और ये देखिए सुपर रेड का डार्क रेड आता है ना वो वाला कलर मैंने यूज़ किया। केक में जेल कलर यूज़ करते हैं जिससे केक का जो क्रीम होती है वो मेल्ट नहीं होती है और बहुत ही अच्छे से केक पर लग जाती है और बहुत अच्छा है। ये ऐसे मैंने क्रीम पर मैंने जो आप ऐसे अप्लाई करेंगे ना केक के ऊपर, केक के ऊपर कलर तो क्या होगा, एकदम ओवर कलर नहीं होगा, और कलर तो बेस्ट होता ही नहीं है ज़्यादा ओवर किसी भी चीज़ के लिए। तो इसलिए मैंने इस पर कलर कॉम्बिनेशन करते हुए मैंने रेड कलर लगा दिया। आप देखिए किस तरीके से मैंने नीचे ऊपर हर तरफ लगा दिया है हमारी जो कलर कॉम्बिनेशन बॉल। फिर मैंने वैसे ही वेव वाली डिज़ाइन मैंने अभी बनाई पर ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था ना कि मतलब मैंने अच्छे से फिनिशिंग नहीं दी है, अजीब सा खुरबुरा। पहले सोचा था ना मैंने ये जो कलर वाला रहेगा उसके साथ ना वाइट कलर का शेड बहुत अच्छा लगेगा, बट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे बिल्कुल भी। क्या आपको अच्छा लगा, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने वापस से इसे हटा दिया। फिर अब देखिए, मैंने ब्रश लिया है उसकी हेल्प से मैंने पैटर्न बनाई है। ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगी है ना, लग रही है ना एकदम स्पेशल
स्पेशल सी सिंपल से उबर प्यारी वाली डिज़ाइन। और ऊपर भी मैंने जो कलर हमारे साइड से है ना उसको बीच में लाने के लिए क्या किया, मैंने ऐसे किया तो जो थोड़े थोड़े से शेड है ना वाइट्स पे आ जाएंगे और उसके बाद बीच में हम थोड़ा सा और कलर यूज़ कर लेंगे, उससे क्या होगा जो हमारा जो वाइट वाइट है एकदम वो कलर में आ जाएगा। ये वाली डिज़ाइन लग रही है ना एकदम बहुत अच्छी और एकदम प्यारी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, साइड से भी अच्छे से खूब ब्रश डिज़ाइन बना लिया जो हल्का हल्का कहीं से लग रहा था ना कि ऊपर नीचे सा क्रीम है, तो वो भी मैंने हटा लिया अच्छे से। वो हटाने के बाद मैंने ब्रश से ऐसे डिज़ाइन बनाई है, सबसे अच्छी यही वाली डिज़ाइन लग रही है ना। फिर ऐसा लग रहा था कि बहुत वाइट वाइट सा लग रहा है हमारा केक, तो फिर मैंने येलो जेल कलर थोड़ा सा और डाल दिया है और ऊपर से एक बार और मैंने ब्रश घुमा दिया। हमारा लग रहा है ना एकदम प्यारा कलर, हल्का सा ग्रीन शेड भी आ रहा, वाइट आ रहा, ऑरेंज आ रहा, रेड आ रहा, इतना ज़्यादा कलरफुल हो गया। और इतना सा केक मैंने जेल यूज़ किया है उससे, और मैंने इस पर डाल दिया गोल्डन कलर का स्प्रिंकल जो एडिबल होता है, उसे इजीली खा सकते हैं। मोतियों की तरह चमकता है हमारे केक पर, जिससे हमारा केक बहुत ही प्यारा सुंदर लगता है। और ये देखिए हमारी प्यारी प्यारी बटरफ्लाइज लगा दिए मैंने इसके ऊपर, और ये मैंने ऐसे लगा दिया है। और मैंने जो बड़ा वाला हमारा टॉपर है वो है हमारी डॉल, तो उसे मैंने बीच में फिक्स करने का सोचा था। और उसके बाद हमारे केक हो जाएगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी, अभी तो थोड़ा बहुत और कुछ बाकी है। मैंने लगा डॉल पर ये अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि जो हमारी स्टिक है ना वो थोड़ी सी बड़ी थी, ये बटरफ्लाई पूरी लेट गई थी, सो ही गई थी ऐसा लग रहा था उड़ते उड़ते। फिर मैंने इसे निकाल कर थोड़ा सा और मोड़ दिया ताकि वो अच्छी लगे। फिर मैंने टॉपर को भी निकाल के थोड़ा सा और उसकी टूथपिक छोटी कर दी है ताकि वो नीचे तक पूरा सेट हो जाए। फिर सेट की बटरफ्लाई भी सो गई थी, फिर मैंने उसे उठाया, उठाने के बाद फिर इसको जगा दिया, जगाने के बाद फिर मैंने उड़ने के लिए लगा दिया है केक पर, तो उड़ना चालू कर दिया बटरफ्लाई ने। केक टॉपर लगाया मैंने, केक टॉप बर्थडे टॉपर में भी क्या किया मैंने, बटरफ्लाई एक ऐड कर दिया। जो ऐसा वाला केक होता जिसपे बटरफ्लाई हो, बहुत सारे टॉपर्स हो, तो आप ना एक बटरफ्लाई या कुछ भी हो ना एक बटन जो हमारा बर्थडे टैग होता है ना उस पर भी लगा दिया करें, बहुत ही उससे अच्छा अट्रैक्टिव डिज़ाइन लगती है। और फिर मैंने जो नेम बनाया था वो वाइट कलर से बनाया था, वाइट चॉकलेट से, तो उसके नेम मैंने नीचे लगा दिए। मैंने सबसे पहले ऊपर लगाऊंगी, पर नीचे वो बहुत प्यारा और बहुत ही अच्छा लग रहा था इसलिए फिर मैंने नीचे लगा दिया उसको। और ये देखिए केक टॉपर पे हमारा अभी रेडी हो गया है, और अभी भी बटरफ्लाई वो वापस से सोने लगी है, तो उसको हम फिर से उठाएंगे और फिर से सही करेंगे। और ये देखिए मैंने सही कर दिया, ये हमारा है, हम फाइनल लुक लग रहा है ना एकदम खूबसूरत से खूबसूरत वाव वाला। और मैंने इस पर किया है सिल्वर डस्ट स्प्रे, जिससे हमारे केक का लुक बहुत ही खूबसूरत सा हो गया है। और इसकी जो डिज़ाइन है वो पूरी उठ कर आ रही है हमारे केक पर, जिसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर देना, ये तो बोलने वाली बात बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत फिर कर दिया मैंने इसे डेकोरेट और बहुत ही अच्छे से ये हो गया था, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी सेट हो गया। और जिनका केक था उन्हें भी बहुत पसंद आया। ये देखिए 1 kg का केक मैंने कर दिया है बॉक्स में पैक, डबल बॉक्स मैंने यूज़ किया था क्योंकि हाइट बढ़ गई थी इसकी और टॉपर की।